दिल्ली में इस साल भीषण गर्मी पड़ी है। दिन का तापमान 47 डिग्री से भी ज़्यादा है। इतनी गर्मी में लोगों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें ज़्यादा प्यास लगती है। लेकिन ऐसे समय में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। आखिर क्यों हुई है दिल्ली में ये पानी की कमी? दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1005 MGD यानी 1005 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। इसमें से 613 मिलियन गैलन हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले दो हफ्ते से हरियाणा सरकार 613 की जगह मात्र 513 मिलियन गैलन पानी भेज रही है, यानी 100 मिलियन गैलन प्रति दिन कम पानी आ रहा है। इतने पानी से 28 लाख लोगों को पानी मिलता था, और आज वो 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने जल मंत्री होने के नाते हर संभव कोशिश कर ली इस समस्या का समाधान करने के लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करी, पर हरियाणा सरकार ने पानी नहीं छोड़ा। मैंने हिमाचल प्रदेश से बात करी कि अगर उनके पास एक्स्ट्रा पानी है, वो पानी देने को तैयार थे, लेकिन वो भी पानी हरियाणा के थ्रू आना था, हरियाणा सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं थी। हम केंद्र सरकार के पास गए, हमारे विधायक जल शक्ति मंत्री से मिलने गए, हमारे अफसर चंडीगढ़ जाके हरियाणा सरकार के अफसरों से मिलकर आए, फिर भी दिल्ली को पानी नहीं मिला। मैंने कल प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और उनसे कहा कि दिल्ली वालों को हरियाणा से पानी दिलवाएं, क्योंकि 28 लाख दिल्ली वाले परेशान हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी नहीं पहुँचा है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। हर संभव कोशिश के बाद जब मैं दिल्ली वालों को पानी नहीं दिलवा पाई हूँ, तो अब मुझसे दिल्ली वालों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। कल 21 जून से मैं दिल्ली वालों को पानी दिलवाने के लिए हरियाणा से, जो हमारे हक का पानी है, जो 28 लाख लोगों की प्यास बुझाएगा, उस पानी को दिलवाने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। कल सुबह 11 बजे मैं राजघाट जाऊँगी और वहाँ पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगी। उसके बाद 12 बजे से जंगपुरा की भोगल कॉलोनी में मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। कई बार ऐसा समय आता है जहाँ पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा होता। ऐसे समय में गांधी जी ने हमें सिखाया है कि सत्याग्रह के अलावा कोई तरीका नहीं बचता है सच्चाई की लड़ाई लड़ने का। और कल से दिल्ली के 28 लाख लोगों के लिए इस लड़ाई को मैं ज़रूर लड़ूंगी।